प्रदेश के सीमांत जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में इन दिनों सफेद चांदी यानी कि लहसुन की बंपर आवक देखने को मिल रही है, जिसके चलते मंडी में चारों ओर लहसुन ही लहसुन दिखाई दे रही है। पूरी मंडी में लहसुन चमकती चांदी की तरह बिछी नजर आ रही है। नई लहसुन आने के चलते ऐसे में मंडी में बंपर आवक लहसुन की होना कारण माना जा रहा है। आज नीमच मंडी में 15 से 18 हजार बोरी लहसुन की आवक दर्ज की गई है। साथ ही लहसुन के भाव में भारी गिरावट के चलते किसानों में मायूसी भी है। फसल का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, किसानों की कटाई का टाइम आ गया है, फसल पक के तैयार हो चुकी है, इसकी वजह से MP मध्य प्रदेश में पूरी बहुत आवक ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रही है, लिमिट से ज़्यादा हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में 1.5 से 2 लाख बोरी की आवक हो रही है। सेंटरों पर भी माल अपने हिसाब से पहुँच रहा है, क्रमानुसार गीला माल होने की वजह से और खपत कम होने की वजह से रेटों में डाउन हुआ है। माल का इजाफा ज़्यादा होने की वजह से ही भी भाव डाउन होने, आगे डिमांड कम होने की वजह से भी रेट को तोड़ने पड़ने पर व्यापारियों को मजबूर होना पड़ा है। तो मैं उपज मंडी से मिली नीमच में लगभग अभी मंडी के अंदर 12 से 15 हज़ार बोरी की आवक थी और लगभग 70 गाड़ियां बाहर थी। इसको देखते हुए, किसानों के हित को देखते हुए मंडी समिति ने जो है उसको तुरंत कार्य किया। मंडी के अंदर का भी नीलाम चल रहा और हमें ये ध्येय था कि किसान बाहर का भी जो है वो परेशान ना हो, इस कारण बाहर की गाड़ियों को भी अंदर ले लिया गया है और उसका नीलाम भी आज करा दिया जाएगा, ताकि किसान आने वाले दिनों में 3 दिन की छुट्टी है, ताकि किसान अनावश्यक रूप से परेशान ना हो। क्या नाम है? समीर दास, मंडी निरीक्षक नीमच से महेंद्र अहिर की रिपोर्ट।